स्क्रीन पे देख रहे हैं यह एलएलबी का यह नोटिस है स्कूटनी का, जो कि मुंगेर विश्वविद्यालय का यह ऑफिशियल नोटिस है। और डेट यहाँ पे देख सकते हैं 5 अगस्त 2023, मतलब कि आज का यह नोटिस है। और इसमें बोला गया डिपार्टमेंट ऑफ एग्जामिनेशन से कि एलएलबी के छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि उनका परीक्षा फल जो है प्रकाशित कर दिया गया, मतलब कि आपका रिजल्ट जो है वह जारी हो गया है। और इसमें बोला गया है कि परीक्षा फल में अगर छात्र छात्रा स्कूटनी के लिए आवेदन में इच्छुक हैं तो वैसे विद्यार्थी जो हैं पोर्टल पर जो दिनांक यहाँ पे दिया गया है 7 अगस्त 2023 से लेकर 9 अगस्त तक आप स्कूटनी के लिए ऑनलाइन जो है फॉर्म को अप्लाई भी आप लोग कर सकते हैं, जो कि एलएलबी का है। और इसमें यहाँ पे दिया गया है एलएलबी का कोर्स जो है पार्ट वन का सेमेस्टर 2 है, जो कि सत्र है 21 से 24 है। एलएलबी सेमेस्टर 2 पार्ट 2 सेमेस्टर 4 है, जो कि 17 20 से 23 है। और एलएलबी से पार्ट 3 के लिए सेमेस्टर 6, जो कि 17 19 से 22 है। तीन का रिजल्ट निकला है, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, तीनों का रिजल्ट जो है वह जारी हो चुका है। और यहाँ पे सेशन भी आप लोग देख लिए हैं। और आपको स्कूटनी का जो चार्ज लगने वाला है 200 रुपये आपको शुल्क लगने वाला है पर कॉपी पे। तो आप अधिकतम जो है तीन सब्जेक्ट में आप स्कूटनी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें बोला गया है कि स्कूटनी के लिए आंसर की या रीचेकिंग रिकॉलकुलेशन इवेल्यूशन जो है नहीं होता है, सिर्फ जो है एग्जामिनर के द्वारा जो है मार्क्स का मिलान या जोड़ में किया जाता है। अगर किसी प्रकार के छात्र छात्राओं का एग्जामिनर द्वारा एडिशनल मतलब जोड़ने में कुछ गलती हुई हो तो मार्क्स पोस्टिंग में सही पाया जाता तो उनका मार्क्स जो है नहीं चेंज किया जाएगा, रिजल्ट नो चेंज होगा। तो यहाँ पर साफ साफ दे दिया गया है, अगर कैलकुलेशन में होती है तो उनका नंबर जो है जोड़ दिया जाएगा। और यहाँ पे दिया गया परीक्षा फल के लिए भुगतान के लिए निम्नलिखित री अपलोड करना अनिवार्य है। तो आप स्कूटनी फॉर्म अप्लाई कीजिएगा तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले एक एप्लीकेशन देना होगा अपने कॉलेज में, महाविद्यालय में देना होगा, जो कि LLB लॉ कॉलेज में आपको क्या करना है, एक एप्लीकेशन देना है। उसके बाद उसमें प्रवेश पत्र लगा देना, एडमिट कार्ड लगा देना और प्रवेश पत्र की छाया प्रति लगा देना है, तो मतलब कि TR लगा देना है, रिजल्ट का PDF को हम लोग बोलते हैं TR। तो तीन डॉक्यूमेंट हो गया, तो ये सब डॉक्यूमेंट जो है आपको लगने वाले हैं। और डेट मैंने बता भी दिया, यहाँ पे डेट देख सकते हैं, ऑफिशियली नोटिस है यह। और डेट यहाँ पे 7 से लेकर 9 तक आपको फॉर्म को कर सकते हैं। और वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।